वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्र, क्योंकि कल नवरात्र चल गए थे लेकिन मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी भी था। कल वीडियो आई थी, किस चीज़ की वीडियो आई थी, उसकी आई थी शायद ब्रेन आउट की वीडियो आई थी कल, तो मैं वही डाल पाया था क्योंकि बाद में मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो इसलिए आज मैं आप लोग को हैप्पी नवरात्र कह रहा था। और अभी हम मंदिर में आ गए, आप देख सकते पूरा मस्त सेटअप कर रखा है, तैयारियां कर रखी है नवरात्रि के लिए। और अभी भोग लगाने के लिए ये जला रहे हैं हम काउडंग, तो अभी वेट करते हैं, फिर होता है तो ठीक है, जब होता है तो देखते हैं, अभी तो उसको टाइम लगेगा। और उसमें से धुआं बहुत आती है पता नहीं। और यहाँ पे शिव जी है, और यहाँ पे मेरी साइकिल रखी है, मैंने इसको आज तक एक बार भी नहीं चलाया क्योंकि मैं बीच में स्कूल खुल गए थे तो फिर मैं भी थोड़ा बिजी रहता था इसलिए। गाइस मैं भी अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी के कमरे में हूँ, इधर ही है, इसी वाले कमरे में है, इसी वाले कमरे में मंदिर का रूम भी। अभी पूरा आग, अभी हमारे पूरे कंडे जल रहे हैं अपना मस्त आराम से, और यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं मस्त अपना करके, मस्त अपना घूमने आ रहे हैं। और अभी तैयारी और भी कर रहे हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं मेरी दादी और बुआ को, ये दादी और बुआ। अभी दादी तैयारियां करती है, दादी ने तैयारी करी है सारी, मंदिर वंदिर जितना भी सेटअप है ना ये सारा दादी ने करा है। और मैं अभी देख रहा हूँ इसको, क्या पता ये बुझना जाए अपने आप से, मैं इसको देख लेता हूँ। आज इसने धुआं कम आ रही है, नहीं तो इतनी धुआं आती थी इसमें कोई सोच नहीं सकता पहले तो। और जब नवरात्र आते थे ना दशहरे में, जो नवरात्र आते हैं उसमें तो ऊपर इतने सारे मच्छर चढ़ जाते थे भाई, कोई जवाब ही नहीं है। अभी इसके लिए पंखा रख रखा है लेकिन हमने चलाया नहीं है क्योंकि पहले बार बहुत तेज हवा चल रही थी। और गाइज मेरी सैटरडे को एक सेल्फी स्टिक आने वाली है, V2S4 सेल्फी स्टिक, उसके अंदर सेल्फी स्टिक के ऊपर लाइट लगी हुई है, बहुत अच्छी लाइट है, मतलब उसके रिव्यूज भी काफ़ी अच्छे हैं। और वो आ तो रही थी 1500 की, तो मैंने ऑर्डर करा ली, अब वो आएगी सैटरडे को, तो सैटरडे को भी एक ब्लॉग आएगा अब, और उसका टाइटल रहेगा व्हाट व्लॉग अबाउट माय सेल्फी स्टिक, उसका टाइटल मैंने पहले से ही सोच लिया था। तो ये अभी मैंने आग का, बुआ ने बोला कि आग का ध्यान रख लो थोड़ा ही बुझ ना जाए, तो यही कर रहा हूँ अभी मैं। देखो लोग आ जा रहे हैं अपना मस्त आ जा रहे हैं लोग, अब देख सकते हो पीछे की साइड को, और इसी साइड में जो आप गली देख पा रहे हो ना, अभी साइड में गली देख पा रहे होगे, इसी के अंदर मेरा दोस्त रहता है मेरे स्कूल का, इसको भी कर लेते। और अभी और टाइम लगेगा इसको, इसको होने में कम से कम लगते हैं इसको 15-20 मिनट लगते हैं इसको होने में, फिर दादी इसके अंदर घी वगैरह लौंग वगैरह ये सब डलती है, तो फिर उसमें उस जब ये डलता है ना, जब इसके अंदर घी डलता है तब इसके अंदर इतनी सारी धुआं आती है, जब ये जलता है ना उससे ज़्यादा धुआं तब आती है जब इसके अंदर घी डलता है, हमें एग्जॉस्ट चलाना पड़ जाता है इतनी ज़्यादा, और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन भाई उनको सोच नहीं सकता। और आजकल ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वैसे भी रहते क्योंकि पिछले वाली दिवाली पे लोगों ने इतने पटाखे फोड़े, ये पूरा जो आप लोगों को दिख रहा है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पूरी साइड है ना, ये पूरी इधर से कुछ नज़र ही नहीं आता, इतनी धुआं इधर, ये सारे स्टेज वगैरह ना रामलीला वगैरह स्टेज, इधर से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी लिटरली, इसलिए गवर्नमेंट ने वो बैन भी लगाया था पटाखों पे, लेकिन लोग तब भी खरीद के फोड़ते हैं, होली पे भी लोगों ने थोड़े बहुत फोड़े थे, वो कलर वाले पटाखे नहीं आते वो वाले पटाखे फोड़े थे। और मैंने पिछली ये वाली होली जो अभी आई थी और उससे पिछले वाली होली पे मैंने फोड़े थे कलर वाले पटाखे, उसके अंदर इतना कलर हो जाता है एकदम धुएं के जैसा, लेकिन उसका कलर अलग होता है, बस येल्लो मैंने अलग अलग कलर्स के मंगाए थे। और इस बार मैंने होली पे पन्नी यूज़ करी थी, आप अरे गाइस ये तो बुझ गया,
गाइस बुझ रहा जल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। थोड़ा दूर से देखते हैं, आप देख ही सकते हैं इसको जल रहा, पता नहीं बुझ रहा। एक टाइम मैं अपनी बुआ को बोल के, तो गाइस मैंने बुआ को बोल दिया अभी आ रही है बुआ, तो अभी उसको उठा के लेके जाएंगे इधर की साइड। अच्छा माचिस, हाँ माचिस भी मिल गई। और इधर कुत्ता भौंकर पता नहीं किसका। एक बार हम मेरे भाई, हमारे घर में एक डॉग भी है जिसका नाम स्टेला है, एक वो एक साइबेरियन हस्की है। साइबेरियन हस्की है वो 3 मंथ्स की है। उसका बर्थ था 22 नवंबर 2022, मतलब पिछले साल के 22 नवंबर को हुई थी वो 22 नवंबर। और वो ना भी मेरे ऊपर भौंकती है पता नहीं क्यों, खेलने के लिए शायद, वो खेलने के लिए भौंकती है सबके ऊपर, भाई वगैरह। और अगर उसको खाना नहीं देते ना, वो किसी भी बंदे के ऊपर चढ़ जाती है कि खाना दो खाना दो। एकदम मस्त। और वो होने वाले शायद अपना कंडे होने वाले, मस्त अपने कंडे संडे होने वाले हैं। ये होने वाले तो नहीं भाई, आप लोग देख सकते हो मैंने जैसा कि बोला था इसमें से इतनी धुआं निकलती है, आप लोग देख सकते हो इतनी धुआं ऊपर जा रही है। अब पॉल्यूशन में मिल जाएगी ये धुआं। और मच्छर बुआ कह रही है मच्छर भाग जाएंगे। और बुआ ये बताओ कि आसमान में कौन सा मच्छर रहता है? मच्छर सारी जगह, ये धुआं आसमान में थोड़ा जाएगा, इधर उधर भी तो फैलेगा। नहीं तुम्हारे ऊपर देखो, ऊपर तुम्हारे पर जा रहा ना, नहीं इतना उसको डायरेक्शन थोड़ी ना पता है कि हमारे कमरे से देखो ऐसे होते हुए ऐसे 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 होते हुए जाएगा। उसको डायरेक्शन कैसे, धुआं को कैसे डायरेक्शन पता? क्या है यार वो, आप भी ना क्या बोलते रहते हो। ये तो धुआं हो गई, अरे इसको न्यूज़पेपर से करो ना, न्यूज़पेपर होगा ना मंदिर में, वो वही सब धुआं हो गई, न्यूज़पेपर से इसको लेके जलाना पड़ेगा। बढ़िया अखबार है, अच्छा नहीं है। अभी अखबार ढूंढता हूँ, इस काम पे लगा दिया मेरे को माचिस इधर उधर देने के लिए। दादी को दे के आता हूँ मंदिर, लो दे दी। और अभी और भी काफ़ी सारे व्लॉग्स से आप लोग देख ही सकते हो। इधर बड़े पापा बड़े मम्मी के कमरे में छोटा सा स्टोर रूम है, और ये पूरे एकदम नीचे जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे एकदम पूरी सीढ़ी है नीचे जा रहा है। इधर से चूहे वगैरह आ जाते थे इसलिए सामान फंसा दिया इतना सारा। इधर एक्सरसाइज वगैरह का भी सामान रखा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको निकालते हैं, ये इसलिए होता है आप देख सकते हो, इसको ऐसे ऐसे करने दबाने के लिए होते हैं, ऐसे हैंड एक्सरसाइज के लिए। इससे इतने स्ट्रांग हो जाती है कि दीवार है ना, इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ। और अभी बहुत धुआं हो गई है, दरवाज़ा इसके अंदर वो डाल दो ना माचिस, मार दो। हाँ माचिस के डाले, माचिस की तिल्ली मार दो इसमें, एक तिल्ली माचिस तो आप लगाए। अरे तो दादी ने कर ली होगी ना, बार बार माचिस लानी पड़ रही है, माचिस स्टिक्स मतलब। अरे माचिस से तो हो गया काम, माचिस का ये तो रही, ये आपके पैर के नीचे रख तो दी। अरे यार अभी तक दादी को देखी ही नहीं, माचिस मैंने रख के गया था यार, माचिस के लिए वेट करते। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अबे यार अरे यार सब बेवकूफ बनाते हैं यार, मेरे को आग लगा ली फिर माचिस मंगाते भाई, ये तो ना इंसाफी है। देखा बुआ ने वीडियो डाली, बुआ ने मेरे को उल्लू बनाए सब। तो गाइस बस होने वाला है भोग हमारा, लगने वाला है, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा उसमें से कितनी धुआं निकलती है, मस्त। और हमारे कमरे में तो आलू और गोभी की सब्जी बनाई है, मस्त एकदम मस्त करी है एकदम, आलू गोभी की सब्जी। और खाएंगे रोटी और उसके साथ अचार, एकदम मस्त। और जब सेल्फी स्टिक आएगी तब तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि तब ज़्यादा इतना भारी ऐसे रखना नहीं पड़ेगा, फोन ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है अभी तो। फिर जब सेल्फी स्टिक आएगी तो ये ऐसे पकड़ के फिर मस्त शूट करेंगे, उसके अंदर ब्लूटूथ भी है और काफ़ी अच्छी सेल्फी स्टिक है, बिल्कुल S4। अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे तो भाई मुश्किल ही है, फ्लिपकार्ट पे तो नहीं है, मैंने चेक करा था फ्लिपकार्ट पे नहीं है, अमेजोन पे है। तो आप लोग देख ही सकते हो इधर ये आ चुका है, वो आ चुका है, क्या
गाइस को दिखा रहा हूँ। मस्त आ गया। अभी फिर अभी लगाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और जब भोग जलता है तब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डलती है, पताशे वगैरह भी। इतने ये चीज़ रह गई और थोड़े से रह गई ये कंडे। हमारे हिंदी में तो इन्हें कंडे कहते हैं, आप लोग जो कहते हैं वो कह लो आप लोग, लेकिन हमारे इसमें तो कंडे कहते हैं। इधर काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगा रखे हैं। ये एक मनी प्लांट है, ये घास उग रही है अपनी मस्त। और इधर भी हमने दो प्लांट्स उगा रखे हैं घास वाले। हम लोग देख लो, अभी जब घी डलेगा ना इसमें तब देखते हैं कितनी धुआं निकलेगी। जैसे घी डलेगा तब आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये बहुत बड़ा कांड हो गया कि बुआ अपना कम कंडे निकाल रही थी और अचानक से वो गाड़ी के कवर के ऊपर जाके गिर गया। गाड़ी के कवर के ऊपर जब मैंने चेक करा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसके पीछे उसके वो टायर होता है ना उसके साइड में पड़ा हुआ था, उसके अंदर से धुआं भी निकल रही थी अभी बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है क्योंकि वो बुझ गया था पहले से, तो बस धुआं निकल रही थी। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ से निकल रही है, देखो कितनी धुआं हो गई। आप लोग देख सकते हो घी डालने के बाद कितनी धुआं हो गई थी। और अब इस समय लग चुके आप बहुत, आप भी देख लो वहाँ से लाइट कर देना पापा के लिए होना ना। हाँ वो कह रही है अभी चेक कर लूँ। वैसे उधर तो कुछ भी कंडा साइड में ही गिरा, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस जल ना जाए वो अचानक से, क्योंकि धुआं वाले कंडे भी थोड़े अपने आप ही जल जाते हैं। तो अभी हम आते हैं, अभी हम लोग दोबारा कर देखें। तो गाइस जो पूजा का काम था वो तो मैंने कर लिया है, तो अभी मेरी एक और ज़रूरत आ गई, अभी आता हूँ। तो गाइस मेरा काम हो चुका है और अभी पता है मेरे पैर के नीचे पता है जलता हुआ वो आ गया था कंडा वो। फिर मेरे को थोड़ा सा गर्म लगा, फिर ज़्यादा गर्म भी नहीं था, थोड़ा सा ही था, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बस उसके ऊपर से पैर हटा के पैर धो लिए ठंडे पानी से, अब तो ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रहा। आप लोग देख ही रहे हो अब तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस मैंने सोचा कि व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है तो इसको यही एंड करते हैं। तो होप करता हूँ कि आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और तब तक के लिए टाटा बाय।